दोस्तों, मैं एक बार फिर से आई हूँ एक और रेसिपी लेके। आप लोग के नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, अब बहुत लोगों का फास्ट होता है, तो इस फास्ट में ये ड्रिंक ज़रूर बनाना और आप लोग ट्राई करना। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग का हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, और यहाँ मैंने अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए। और मेरे चैनल का नाम है सोनल देसी तड़का, यहाँ मैं रेसिपीज आप लोग के साथ आज ये शेयर करने जा रही हूँ, और आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो प्रोसीजर में यह है कि मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है, जो कि ड्राई कोकोनट है, मैंने इसे घिस लिया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं, इस काजू बादाम को भी मैंने बारीक बारीक घिस लिया है। आप ऐसे कूटा हुआ भी रख सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक गिलास दूध लिया है, जो कि गर्म करके अच्छे से ठंडा करके रख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने अनार के दाने लिए, जो भी हमारे घर में फ्रिज में हम रहते ही है। और मैंने यहाँ गुड़ लिया है, मीठे में गुड़ लिया है, जो कि मैंने शक्कर को रिप्लेस किया है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा नारियल लिया है, और साथ ही साथ इसमें काजू और बादाम को भी मैंने पीसा है। इन सबको मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है, हमें इसका एक शेक बना लेना है। और ये हमारा रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया। ये थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रहेंगे, कोई बात नहीं चलेगा। ये हमें अपने ग्लास में निकाल लेना है अच्छे से ठंडे ठंडे, और इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। इस टाइम पे कोई बहस नहीं, जब पीना रहेगा तभी भी गार्निश करके आप आराम से पी सकते हो, लेकिन मैंने अभी गार्निश किया है। यहाँ पे मैंने अनार के थोड़े जूस निकाल लिए थे, थोड़ा सा अनार बचा लिया था, उसी को थोड़े से मैंने जो अपना अदरक का कुटनी होता है उसे भी कूट के थोड़ा सा जूस निकाल के मैंने ये डाल दिया। साथ ही उसके ऊपर मैंने गार्निश करूँगी थोड़ा सूखा नारियल अपना जो मैंने रखा है यहाँ पे, थोड़ा अपने ड्राई फ्रूट जो कि काजू बादाम है वो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मलाई भी बचा के रख लिया था वो भी रख गया था, और वो मैंने ऊपर से लगा के ऊपर से अपने अनार के दाने सजा दिए। और ये बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी था, आप लोग यकीन नहीं करोगे जब मैंने बनाया, और घर में भी और सबको बहुत ही अच्छा लगा, इवन मुझे बहुत ही, मैं तो दोबारा फिर से ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और यही है हमारा आज की रेसिपी, जो कि आप इंजॉय कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। नवरात्रि आराम से इंजॉय करना, और अच्छे अच्छे खाओ, अच्छा अच्छा पियो, और अच्छे से रहो। और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और हम मेरे जितने भी इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना एक बार आप। और जाने से पहले आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे दो कुछ दिन पहले, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसी तरह से मेरे सारे वीडियोज़ को पसंद करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।